नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर हैं। आज असम दौरे का उनका दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी यहां चुनावी प्रचार करने में जुटी हैं, साथ ही वो लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। आज असम के तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी जनसभा होनी है। जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ने मंगलवार को महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। यहां भी प्रियंका गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। वो यहां पर टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। अब जरा ये पूरा वीडियो देखिए। कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है? मैम, जिसमें 50 किलो मफी होता है अभी तो खाली है। जी, एक ही वाला। फिर इसकी कौन सी चाय बनती है? CTC बनती है। CTC देखा, मुझे मालूम है। इससे ज्यादा निकलता है। उल्टा तो नहीं है? खुले पर बोल दो बंगाली बोल मुझे बुझाई दी। आज आज पास आज इधर मत बैठा हो यार। अरे आगे मत बैठाओ, मैम को दिखाना है। बड़ों को दिखाओ। पहले बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। फिर क्या खाना खाना? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसके साथ छोड़ते हैं? जो छोटे हैं तो छोटा है तो आते हैं। अच्छा, आते हैं पीठ पे? पीठ पे हाँ, ऐसे ही दो दिनों। असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा रहता है। ऐसे में प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया है कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से तैयार हैं। अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आपको बता दें कि बीते दिन भी प्रियंका गांधी असम में ही थी। यहां सबसे पहले उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की थी।
सोमवार को असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन का आगाज किया, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। असम में ही प्रियंका गांधी का अलग अंदाज भी दिखा है, जहां उन्होंने आदिवासियों के साथ ट्राइबल डांस भी किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।